स्पोर्ट्स लाइव और द चर्चा के सभी दर्शकों को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जोड़ी गांव में कल्लू जोड़ी जी के पास। हरियाणा के स्टार रेडर खिलाड़ी हैं कल्लू जोड़ी जी, और उनका इंटरव्यू लेने के लिए आज हम पहुंचे। और जो कमेंट बॉक्स में आपके सवाल आते रहते हैं, अलग अलग सवाल की जो उनकी निजी ज़िंदगी से रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हैं और खेल से संबंधित जो जानकारी आप लेना चाहते हैं, वो सभी जानकारी आज हम आप इस इंटरव्यू के दौरान आप सभी को दिखाएंगे। कल्लू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार हमारे सभी दर्शकों को। राम राम करते हैं। राम राम जी सभी दर्शक। कल्लू जी, एक सबसे पहला सवाल तो यही है कि भी कल्लू जोड़ी के नाम से आपको जाना जाता है खेल जगत में, तो आपका असली नाम क्या है? कुलदीप है जी मेरा नाम असली। कुलदीप। और माता पिता का क्या नाम है? जसबीर है जी पिता का नाम, और माता का नाम बतेरी देवी। बतेरी देवी। तो कल्लू जी, आपकी एजुकेशन क्या है? जी बीए कर रखी है मैंने। बीए। हाँ जी, रोहतक से जाट कॉलेज में। ओके ओके। तो आपने खेलना कब शुरू किया था, स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज में आके खेलना? ना जी, स्कूल टाइम में एकाधी बार यो गांव की टीम थी, ये एकाधी बार अंगे ले जाते, मैं पहलवानी कराया करता उस टाइम। हाँ जी। तो शुरुआत में जब जाते थे तो किन के साथ शुरू किया था? ये गाँव में की टीम थी जी, गाँव की। राजेश था जी, ये मेरे बड़ा भाई था जी, एक इनके साथ में ही चले जाया करते। तो हर खेल में जैसे होता है कि भाई एक गुरु होता है सभी का, तो आपका गुरु कौन रहा है खेल में? हाँ जी, पहलवान है लाठिया काला। काला लाठ। हाँ जी, काला लाठ जी के साथ आपकी शुरुआत हुई थी। हाँ जी। तो किस उसमें आपने शुरू किया था, कौन सा सन में शुरू किया था? 2014 में जी। 2014 में खेलना शुरू किया था और अभी तक सफर चल रहा है। तो कल्लू जी, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा कि भाई जैसे आपने शुरुआत करी खेल की, तो बहुत सारी समस्याएं हो तो आपने भी आई होंगी, कुछ घरवाला का क्या सपोर्ट रहा उसमें? ना जी, इसमें कोई समस्या नहीं आई जी, मेरे तो फुल सपोर्ट था जी, घरवाला का पूरा सपोर्ट रहा। हाँ जी, फुल कती। अच्छा अच्छा। तो एक और सवाल की भी, आप सबसे ज्यादा किस टीम की तरफ से खेल रहे हो? हाँ जी, खरक। खरक की तरफ से? खरक जट्टान जी। जी हाँ। तो आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है? खरक है जी। खरक है अपनी टीम। हाँ जी, पसंदीदा है। आपके फेवरेट रेडर, जैसे आप खुद भी रेडर हो, तो फेवरेट रेडर कौन आपके? आपके जी पुराने टाइम के थे जी, हैं सुभाष रेड्डा हुआ जी। फिलहाल आपके टाइम के हैं जी विनय खत्री जी। विनय खत्री जी। हाँ जी। और कैचर में कोई आपका पुराने टाइम का हो? बिच्छू है जी। बिच्छू। हाँ जी, ठीक है। तो एक और बात की, जैसे खेलते खेलते काफ़ी टाइम हमारा हो जाता है तो बहुत सी यादें जुड़ जाती हैं साथ में, तो ऐसा कोई आपका यादगार मैच है जिस जो आपको जिंदगी में अभी तक याद होगा? हाँ जी, याद है जी, वो सिंगवा के साथ मैच था। आप किस टीम की तरफ से? मैं जी खरक में खेल रहा था, मैं और लठिया काला और सिंगवाई टीम के साथ टिटोली गाँव में मैच था जी। वो श्याम गेल जी थोड़ी ही वाह हो गई थी जी, वो ऊपर ठाक जी गेर पड़ गया था जी, पगलती थे मेरी ये जी उसमें, तो वो जी याद है जी, मेरे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी जी वह। हाँ, ऐसे बहुत से मैच आ जाते हैं कि भी जिनकी वजह से अंदर रहती है थोड़ी। हाँ जी, बस वो बहुत मतलब जी आदमी मर भी सका उसमें जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। तो जैसा कि आपने इस मैच के बारे में बताया कि आपसे गलती हो गई थी और आपको मन में लगा भी, तो ऐसा माना जाता है कि भी कल्लू जोड़ी जो है थोड़ा अग्रेसिव आक्रामक तरीके का खिलाड़ी, तो अग्रेसिव होना क्या है आपका नेचर है या फिर वैसे एक गलतफहमी हो जाती है देखने में? हाँ जी, नेचर तो क्या है जी, गेम है जी, कई बार ऐसा हो जाए जी पता नहीं लगता क्या चल रहा है क्या नहीं, बस मैच ही ध्यान में रहता है उस टाइम की जी, नेचर तो नहीं है जी, वो गेम में ही हो जाए जी। जी जी। तो ऐसा होता है जैसे भाई अपने खिलाड़ी बाहर भी खेलने जाते, तो आप गए कभी दूसरी टीम की तरफ से? जैसे आपने बताया खरक जटान की तरफ से मोस्टली खेल रहे हो आप। हाँ जी। और दूसरी टीम की तरफ से भी खेल रहे हो? हाँ जी, बहु बहु की तरफ से। हाँ, और जैसे हरियाणा के बहुत से खिलाड़ी पंजाब की तरफ से भी खेलते, तो आप खेले कभी? ना जी, मैं नहीं खेला। पंजाब की तरफ से नहीं खेले, तो ऐसा क्या कारण है कि भी बहुत से पंजाब के अपने हरियाणा के खिलाड़ी जो है पंजाब की तरफ जाते हैं खेलने के लिए, क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि बहुत से जो इंटरव्यू पहले भी हमारे सवाल इस तरीके के होते हैं, आपको क्या लगता है कि भी क्या कारण है इसका? जी वहाँ थोड़ा डिसिप्लिन है जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, वहाँ स्पोर्ट ज़्यादा है जी, फेडरेशन है जी, रेगुलेशन है जी, सारे शाबगा जी, अनुशासन बढ़िया है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ कुछ भी नहीं जी ऐसा। तो जैसे अपने यहाँ थोड़ी बहुत इन चीज़ों की कमी है, तो अपनी जो कमेटियाँ उनको कुछ संदेश आप देना चाहोगे भी क्या? ये है जी, थोड़ा है जी फेडरेशन बनाई जाऊँ जी, टीमों के एक वो हो जी, सपोर्टर नहीं हो यार जी, वह
इसके हिसाब से जी के कोच छोड़ा जाओ जी साथ में जी उसमें जी घना फर्क हो जाए जी। तो जैसे इतने लंबे टाइम से आप खेलते आ रहे हो, सरकार का कुछ सहयोग मिल रहा है आपको? ना जी कुछ भी नहीं सहयोग जी। अच्छा अच्छा, कांग्रेस सरकार थी जी जब हुड्डा ने तो जी कुछ किया था, इसने तो कुछ नहीं जी। अच्छा, तो आप हमारे चैनल के थ्रू सरकार को कुछ कहना चाहें कि भाई किस तरीके के खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए, कुछ जो भी है? यही है जी, एक गेम की तरफ ध्यान दिया जाओ जी, और जी प्लेयर में थोड़ी जी नौकरी नाकरी मिले जी, थोड़ा और उत्साह हो जी खेलने, यही है जी। और जी एक और सवाल जो हमारे दर्शक जानने के इच्छुक रहते हैं कि भी आपकी अचीवमेंट क्या है इस खेल के अंदर, कितनी बार बेस्ट रहे आप, क्या क्या जीता आपने? जी, बेस्ट तो बहुत बार आ लिया मैं, चार पांच तो जी अकेले के नाम बाइक हैं जी, और जी विनय के साथ जो ज्वाइंट है जी 16-17 बाइक मैंने जीत रखी है जी। अच्छा, जी LED और ये अलग रह गया जी 11। सबसे पहले आपने जो बाइक जीती थी वो 1900 में जीती जी। खरखर साथ खेल रहे थे आप? ना जी, मैं बहु में था, बहु करो पर मैं और फरमाने के साथ मैच था। फरमाने के साथ मैच? हाँ जी, 1900। अभी जो ये लगा लो पिछली बाइक जो आपने जीती हो अभी तक, जैसे अभी तो बंदी हो रखे हैं, उससे पहले आपने लास्ट बाइक कौन सी जीती अभी? हाँ जी, वो बाड़ा गांव में जीती थी जी, इशार में जी, किस टीम? खरक में था जी, खरक की तरफ से। हाँ जी, विनय के साथ ज्वाइंट जी, बहू के साथ मैच था जी। जी, आपने बताया कि बहू के साथ मैच था, तो उस टीम के अंदर कौन कौन खेल रहे थे, कोई ऐसे स्टार रेडर या स्टार जो कैचर थे? हाँ जी, एक रेडर था जी नरेश खरड़, और कैचर था जी सोनू जांडले। सोनू जांडले, हाँ जी ठीक है। और आपकी टीम के अंदर कौन कौन खेल रहा था? हमारे में तो जी काला पहलवान था, लाठिया और मैदा जी। जी, दोनों तरफ जो है स्टार खिलाड़ी थे, तो टक्कर किस तरीके की रही थी, क्या कुछ स्कोर का डिफरेंस रहा? ना जी, स्कोर तो जी ठीक था जी, हमें कई पॉइंट आगे दे जी उनसे जी। जी, हाँ जी, मैं और विनय नॉन स्टॉप दे जी फाइनल में। हाँ जी, तो एक और बात कल्लू जी, हमारे साथ बहुत से ऐसे दर्शक जुड़े हैं, वो भी जानना चाहते हैं खिलाड़ियों के बारे में अक्सर, आपकी हाइट और वेट कितना है? जी, मेरे में जी 88 किलो का वेट है जी। अच्छा। 5 फुट 8 इंच हाइट है जी। जी, और आपका डाइट प्लान क्या है, क्योंकि बहुत से दर्शक जुड़े हैं जो इस खेल के अंदर आ रहे हैं, तो उनको डाइट का थोड़ा सा नॉलेज नहीं होती प्रॉपर तरीके से, क्या कुछ? यही है जी, थोड़ा स्टेराइड तो जी दूर रहें हाँ जी, अपना ये देसी जो खाना पीना जी, टाइम से उठना जी, टाइम से सोना, यही है जी, और तो क्या। और वर्कआउट का क्या प्लान रहता है? हाँ जी, सुबह 4 भी बजे जी, 5 भी बजे जी, एक आधी बार जी बाहर जा रहे हो लेट आओ जी, सुबह 6 भी बजे जी, इसे शाम को जी 5, 4, 9 बजे जी, एक एक घंटा 1.5 घंटा प्रैक्टिस कर लें जी। जी, एक और बात की, जैसे नए खिलाड़ी बतेरे इस खेल के अंदर आने लग रहे हैं, तो उनको क्या कुछ आप संदेश देना चाहोगे, भी कुकर अपनी तैयारी करें, कि अपना जीवन का जो लाइफ स्टाइल है किस तरीके से बना कर रखें? हाँ जी, यही है जी, बढ़िया था जी, अपना बढ़िया खाऊँ पीऊँ जी, बढ़िया ही नशे था जी दूर रहूँ जी, अपना मेहनत पर ध्यान दे जी, यही है जी, साथ में जी कोई दिक्कत हो जी हम हैं जी, बिल्कुल किसी डाल की भी कोई जी सहायता हो जी, एक बार बोलो जी, हम करेंगे भैया की, बिल्कुल। इतने लंबे टाइम से पहलवान जी आप कबड्डी खेलते आ रहे हैं, तो इसके अंदर आप अच्छाइयाँ क्या देखते हैं इस खेल के अंदर? यही है जी कि अपने गेम करे कोई भी जी आदमी जो बंदा, उसमें जी टाइम के हिसाब से जी उठना खाना पीना जी, बढ़िया डाइट जी, हाँ जी अच्छा हो जाए जी, इससे जी और जी और जी जिससे जी बीमारी कम आओ जी शरीर में जी, और बच्चे ने जी रेगुलेशन हा हो जाए जी, टाइम से उठना जी, मेहनत करनी जी, एक हिसाब से जी एक वो नहीं हो जा रहा जी, क्या कह रहे हैं जी, प्रॉपर डिसिप्लिन आ जाता है। हाँ जी, प्रॉपर डिसिप्लिन हो जाए जी आदमी ने जी। और एक और बात की, अच्छाइयों के तो एक पहलू हो गया, दोनों पहलू होते हैं, बुराई आपको क्या लगती है कि क्या कमी? बुराई तो ये है जी, कमेटियाँ ने जी सख्त होना चाहिए जी, इससे जी टाइम पर जी टाइया में जी गलत करते हैं जी, अब टाइम तो जी सारे काम हो जी, आदमी टाइम तक खिलाड़ी घर पर जाओगे जी, टाइम से आवेंगे जी, एक हिसाब से फेडरेशन भी होनी चाहिए जी, इससे जी थोड़ा यह गलत है जी, बिल्कुल टाई भी पीछे गिरते हैं जी। हाँ जी, ये एक और सवाल पहलवान जी की, पिछले 1-1.5 साल जो पिछला सीजन गया, इसमें आप ग्राउंड पे नहीं देखने को मिले, तो क्या कारण रहा है इसके पीछे?
यही कारण है जी, शोल्डर में चोट लग गई थी जी। इंजरी? हाँ जी, लगामेंट टूट गया था इसके, और जी ऑपरेशन करवाया था जी। ओके ओके जी। वो और फिर बाद में जी थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम भी होगी जी, फिर बीच में शादी आ गई थी जी, इस कारण थोड़ा दूर हो गया था जी गम्मा दही भाग्य जी थोड़ा। तो अब कब तक, हमारे दर्शक ये भी जानने के इच्छुक होंगे कि भाई कब आप वापसी कर रहे हो दोबारा गेम के अंदर, ये मैदान पर दोबारा से कल्लू जोड़ी के जो जलवे हैं वो देखने के लिए दर्शक उत्साहित होंगे, तो कब तक वापसी की उम्मीद है? जी जरूर, एक सीजन में जी जरूर वापसी करेंगे जी, बड़ी यात्रियाँ करेंगे जी, कोई नो नहीं है जी। हाँ जी, और सारी तरिया फिट हैं जी, बढ़िया, अपना मेहनत भी करें जी, टाइम से उठना बैठना अपना सही है जी। बिल्कुल हाँ जी। तो इस सीजन में उम्मीद करते हैं कि भी दोबारा से कल्लू जोड़ी जी मैदान पर देखने को मिलेंगे। हाँ जी जरूर। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आपके वैवाहिक जीवन के लिए, आपकी शादी इस सीजन में हुई है, और एक और शुभकामनाएं आपको कि आप जल्दी से दोबारा मैदान पर वापसी करें और दोबारा से दर्शक फिर से आपको मैदान के अंदर कल्लू जोड़ी के नाम के नारे लगते हुए दिखाई दें और उस तरीके से दर्शक फिर से झूम उठे आपका खेल देखने के लिए। तो ये थे कल्लू जोड़ी जी, इन जिनकी आपने निजी ज़िंदगी के बारे में भी जाना, खेल की जो इनकी ज़िंदगी रही है, कैसे शुरुआत हुई और किस तरीके से इन्होंने अलग अलग तरीके से अपने खेल को निखारा और कैसे अलग अलग अचीवमेंट्स इस खेल के अंदर इनकी रही, तो ये सब आपने जाना। और कुछ भी जो आप सवाल जानना चाहते तो कमेंट बॉक्स में करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि अगले इंटरव्यू में हम उन सब चीज़ों का ध्यान रखें और इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इन सभी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।